की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। दीपों का पर्व दीपावली को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद धनतेरस के मौके पर बाजार में रौनक देखने को मिल रहा है। आज से दीपावली का आगाज शुरू हो गया, जिसको लेकर पटना सिटी के चौक, खाजे कला, पश्चिम दरवाजा जैसे प्रमुख इलाकों में दीपावली का धनतेरस बाजार लग गया। लोग पुरानी परंपरा को निभाने के लिए बर्तन, ज्वेलरी और घर के उपयोगी सामान खरीद रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के बाद देश की 80% लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिसका असर अब भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। खरीदारी की भीड़ है, पर ग्राहक अपने बजट के अनुसार कम ही सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। आज धनतेरस का बाजार है, ऐसे में बर्तन का दुकान में ज़्यादा भीड़ रहना चाहिए। क्या लग रहा है कि आज आपकी बिक्री दुकान की कैसे है? नहीं, एक्चुअली जो है 2 साल की जो कोरोना जो थी आयु थी, लोग सब आर्थिक स्थिति उनका कमज़ोर हो गई, लोग इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने से आर्थिक अंदर से स्थिति कमज़ोर कर रहे हैं। केवल खाना पूर्ति के लेके छोटा छोटा आइटम जो है लोग खरीद रहे हैं। क्या नाम हुआ? प्रीतम कुमार। 19 लग रहा है, बाकी शाम तक जो हो ठीक है, हो जाएगा अंदाज है। में खास करके बर्तन लोग खरीदते हैं। हाँ, बर्तन खरीदते हैं। ऐसे में आपका क्या काम है? बर्तन शुभ चीज है, लक्ष्मी है, घर का सुंदरता बढ़ाता है। बाजारों के रौनक में जो है टीका नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा तो लग रहा है, लेकिन अभी तो समय है, आगे हो जाएगा, ठीक हो जाना चाहिए। क्या नाम हुआ? ब्रिजमोहन प्रसाद। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।